वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डन ग्रेजुएशन विद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। ये ऑनर्स जब आ गया इसको ज्यादा अंडरलाइन कर लें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ऑनर्स के ही नेचुरली केमिस्ट्री के इर्द गिर्द ही आपका मेजर केमिस्ट्री बन रहा है यहां तक से। मेजर बाकी स्टडी करता हूं। आपने लिखा है कि मैथमेटिक्स वाज माई इलेक्टिव सब्जेक्ट, लेकिन रजे आपने ये नहीं बताया मैडम आपने कि ये मैथमेटिक्स आपने 3 साल पढ़ा है। अगर तो 3 ईयर पढ़ा है तो आपका मैथ्स और केमिस्ट्री का बनेगा आपका फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस देखिए, केमिस्ट्री का फिजिकल साइंस बन गया, इसको छोड़ दे सकते हैं। ये मुझे पता नहीं है कि आप एलिजिबल हो। अगर आपने 3 साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो, मतलब ये आप एलिजिबल हो किसके लिए, टीजीटी के लिए मैथ्स में। अगर आपने 1 ईयर पढ़ा, 2 ईयर पढ़ा है या 1 ईयर पढ़ा है ना, फिर आपको फिजिकल साइंस के साथ मैथ मिल तो जाएगा अगर आपने 2 या 1 साल पढ़ा है, लेकिन फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। गवर्नमेंट जॉब में यही कहा जाएगा कि आप ये मैथ्स भी 3 साल पढ़ के आओ, नेचुरली 3 साल का आप पेपर दोगे। इसलिए आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए आपका क्या आंसर बना है, कि आप मेजर सब्जेक्ट इसको नहीं छोड़ोगे। कारण क्या है कि आपकी मास्टर भी केमिस्ट्री में हुई हुई है, ठीक। अगर आपका मैथ 3 साल हुआ है तो फिर आपका फिजिकल साइंस के साथ मैथ्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर हाँ, क्योंकि 1 साल तो पढ़ाई है ना, नेचुरली ये आपका ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये डिफरेंट है, आपने कहा है कि एज अ फ्यूचर आई वांट टू फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, तो पीजीटी आप फिजिकल साइंस के लिए एलिजिबल हो, आपकी केमिस्ट्री ऑलरेडी है तो ये आपका पक्का पीजीटी के लिए, सिर्फ ये वाला आपका पक्का बन गया पीजीटी के लिए। लेकिन टीजीटी के लिए ये मैं बता रहा हूं कि आपके 3 साल मैथ्स के पढ़े हुए होने चाहिए। सर, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन बीएससी मेडिकल, नंबर 1 जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। आपका केमिस्ट्री का बन गया फिजिकल साइंस, ओके। यहां आपका बॉटनी और जूलॉजी का बन जाएगा लाइफ साइंस, ठीक है। तो आप इनका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। आपको मैं सुजेस्ट करूंगा, अगर आप टीजीटी प्रेफर कर रहे हो, टीजीटी प्रेफर कर रहे हो, तो आप 2 साइंसेस को मिला के, कोई भी 2 साइंसेस को मिला के आपका साइंस बन जाएगा। आप साइंस लीजिए मेजर, और दूसरा आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी करना चाहते हो, बॉटनी में, जूलॉजी में, मतलब आप लाइफ साइंस में जाना चाहते हो वाली ब्रांच में, या फिजिकल साइंस में वाली में ब्रांच में जाना चाहते हो। अगर आप लाइफ साइंस वाली ब्रांच में जाना तो चाहते हो तो आप साइंस और लाइफ साइंस का कॉम्बिनेशन लीजिए। अगर आप फिजिकल साइंस की एमएससी करना चाहते हो है ना, तो उसके लिए आप क्योंकि टीजीटी के लिए बन जाओगे, तो फिर आप साइंस और फिजिकल साइंस, दूसरा पहली आपकी प्रेफरेंस ये बन गई अगर लाइफ साइंस की अपने करनी है, दूसरी आपकी ये बन गई फिजिकल साइंस की। ये पक्का है कि इससे आप इस, ये भी पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो, ये भी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो। हाँ, सिर्फ ये है जो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो। योर बेस्ट कॉम्बिनेशन इज साइंस लाइफ साइंस एंड साइंस फिजिकल साइंस, वो बात के हैं। इसके आप इंग्लिश अगर लेते हो तो इंग्लिश में आप एलिजिबल नहीं हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं बनते, आपको एडिशनल पेपर देने पड़ेंगे ग्रेजुएशन के भी और टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो या हाँ ग्रेजुएशन के देने पड़ेंगे। सर, कोर्स फीस के बारे में भी बता दीजिए, अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स कम या ज्यादा होंगे। नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात कि कोर्स फीस, बीएड की फीस के बारे में वो वेरी करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग 40,000 के करीब है, 35 से 40 के करीब होगी 2 साल की है ना। तो दूसरे कॉलेजेस की मैं एक बार कंपेयर करके आपको जब वीडियो बना दूंगा, वो तो बार्गेनिंग वाला काम है जो प्राइवेट कॉलेजेस। सर, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन विद इंग्लिश लिटरेचर, मतलब कि इलेक्टिव इंग्लिश, इसको मैं मान रहा हूँ, इलेक्टिव पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है ये 2 बन रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। आपने क्या पूछा है, एसएसटी का कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं, एसएससी का कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा, क्योंकि आपने सोशल साइंस 1 पढ़ी है, ये 1 पढ़ी है। आपको नेक्स्ट ईयर जहां एडिशनल देना होगा हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, कोई और सोशल साइंस का,
तो फिर आप कर सकते थे SST। तो अब आपका ये नहीं बन रहा। अगर मैं इंग्लिश माइनर लेता हूं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जवाब पहले भी दे चुका हूं। माइनर ही लेना पड़ेगा, मेजर ले ही नहीं सकते आप, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सर मैंने ग्रेजुएशन में जनरल पंजाबी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इलेक्टिव पंजाबी, ये सब्जेक्ट 3 ईयर सब पढ़े हैं, तो ये मेरे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से होंगे? आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है, ज्योग्राफी भी पढ़ी है, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट सोशल साइंस में ये गिने जाते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में ये पढ़े होने चाहिए अगर आप SST के टीचर लगना चाहते हो। तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया SST, और आपने इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है ना, ये पंजाबी लीजिए आप, ये हर कॉलेज में अवेलेबल है, सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर BEd फर्स्ट सेम के स्टूडेंट PSTET के लिए एलिजिबल है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की मैंने एक वीडियो डाली है, शायद आपने देखी होगी, गुड न्यूज वाली है ना, ये वही तो नहीं है, पता नहीं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि हम एलिजिबल हैं, तो उन्होंने परस्यूइंग माना है, परस्यूइंग की डेफिनेशन है आप BEd स्टार्ट हो चुकी है और आप जो कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन, SEM 1 वाले भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर कट ऐसे लिखा नहीं हुआ, ये मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर एक बच्चा केस ऐसा डालता है तो आपके फेवर में ही जाएगा, क्योंकि NCT ने वर्ड्स ही ऐसे यूज किए हैं। सर मैंने BA हिंदी ऑनर्स, तो हिंदी नहीं छोड़ोगे आप से की है, मतलब मैंने हिंदी का बिना कोई और सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने ऑप्शन नहीं, कुछ तो पढ़ा होगा ना, पर पंजाबी में है, पर पंजाब में है, तो अब हिंदी मेजर के साथ माइनर सब्जेक्ट कौन सा लूं, प्लीज सजेस्ट। नहीं, आपको मुझे ना BMC बताने होंगे, आपका जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसमें कौन से सब्जेक्ट, हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट आपने कोई और पढ़ा हो साथ में, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, तो हिस्ट्री शायद वो कंसिडर कर ले, बाकी ये कंफर्म करना पड़ेगा। आप पहले आप वो सब्जेक्ट बताइए, उसके बिना नहीं होगा, ऐसे कॉल केस बहुत आते हैं, घबराना नहीं है, आपने एलिजिबल बनना है, अगर गाइडेंस मिल जाएगी, अगर इस बार एलिजिबल ना होंगे तो, लेकिन आपको ये बताने पड़ेंगे। हलाल नेक्स्ट है, सर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन पोलिटिकल साइंस पंजाबी लिटरेचर को, ये मैं मान रहा हूँ कि आपने इलेक्टिव पंजाबी पढ़ ली है, एंड होम साइंस, प्लीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए। जी आपका ये माइनर ही बनेगा, पर लेकिन इसको नहीं छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। और पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ पंजाबी या होम साइंस के साथ पंजाबी, ये दो बन रहे हैं, ये बात आपकी है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, और ये PGT के लिए बनना होगा आपको, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस की करनी ही होगी। अगर होम साइंस को चूज करते हो तो ये 6th से 10th तक है, ये TGT आप बन जाते हो, ये इनकी पोस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसकी थोड़ी कम होती है, होम साइंस की कॉमन में भी कम होती है। सर प्लीज रिप्लाई, इट्स 4th टाइम आई एम आस्किंग, वेरी सॉरी, आई हैव डन BSc मेडिकल, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी, एंड हाउ हैव टू कंप्लीटेड माई, आई हैव कंप्लीटेड माई MSc बॉटनी, इसको मत छोड़िए, MSc बॉटनी मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अंडर TGT PGT के लिए क्या बनते हैं। सर काउंसलिंग कब होगी, हमें मेल या कॉल आएगी? नहीं, काउंसलिंग अब शुरू हो गई है, 21 तारीख तक आपने चॉइस फिल करनी है ना, ये चॉइस ये काउंसलिंग ही है, आपने घर बैठे ही अपने लैपटॉप पर बैठ के फिल कर देनी है डिजिटल वे से। अच्छा, तो आपका बन गया बॉटनी, आपका पक्का हो गया, आपने जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, आप सर लीजिए एक तो साइंस पक्का लीजिए, साइंस के साथ आपका फिजिकल साइंस ले सकते हो, और आपका साइंस के साथ दूसरा बन गया लाइफ साइंस बॉटनी है, इसके साथ हाँ दे देंगे, कॉलेज दे देंगे आपको। तो आपने अब डिसाइड करना है ये कि मैंने लाइफ साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, आगे में की हुई है आपने, बॉटनी में की हुई है, तो बॉटनी मेरे ख्याल में आ रही होगी यहाँ पर लाइफ साइंस में, तो आपके लिए ये बेस्ट है।
बॉटनी लाइफ साइंस में मेरे ख्याल में आ रही है, तो आपके लिए साइंस लाइफ साइंस को मत छोड़िए, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। जेएनयू के अंडर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, हानी मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज की वीडियो ही निकाली है टोटल पंजाब की, उसमें जलंधर के कॉलेज की बात की है, सीट मैट्रिसेस की बात की है, माइनर और मेजर की बात की है, काइंडली वो वीडियो देख लीजिए, नीचे दिया गया है लिंक। सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीए सोशियोलॉजी ऑनर करी है, आई हैड स्कोर्ड 100 मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट, वेरी गुड शाबाश। सर अब तक 77% ग्रेजुएशन में मार्क्स बन रहे हैं, फिफ्थ सेम तक और सिक्स्थ सेम तक रिजल्ट अभी नहीं आया, मेरे पास इंग्लिश इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी ज्योग्राफी और पंजाबी है, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आपने सोशियोलॉजी ऑनर की हुई है। अच्छा चलो आपने ये पढ़े हुए हैं, वेरी गुड है, तो आपने ये पढ़े हुए हैं ना, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी भी है, वेरी वेरी गुड। तो आप एसएसटी लीजिए, एसएसटी के साथ आपने इलेक्टिव कौन सा पढ़ा हुआ है, पंजाबी या इंग्लिश, किसमें आपका इंटरेस्ट है, यहाँ नहीं है इलेक्टिव और कोई नहीं है, यही है ना, तो एसएसटी आप पंजाबी या एसएसटी आप इंग्लिश, ये आपने देखना है पोस्ट ग्रेजुएशन या बाद में आप किसको टीच करना अच्छा लगता है, आप पंजाबी टीच करना या इंग्लिश टीच करना, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट है सर, बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए कॉलेज अलग से होते हैं, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन मिली है या कुछ, नहीं नहीं आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, आपने बीएड के लिए चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज फिल करोगे, वो कॉलेज है इधर बताता हूँ आपको, ये है बाबा कुंदन रूरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना इज ऑफरिंग लर्निंग डिसेबिलिटी कोर्स अंडर बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आप बाबा कुंदन रूरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हो तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के स्पेशल बीएड में जा रहे हो फॉर द सेशन ऑफ 2022 एंड 2023। मेंटल रिटार्डेड कोर्सेज इज अवेलेबल एट नवजीवनी इंस्टीट्यूट सुलार, तो सुलार प्लस बाबा कुंदन रूरल कॉलेज लुधियाना, ये दो ऑफर कर रहे हैं स्पेशल बीएड कॉलेज, स्पेशल बीएड कोर्स, बाकी कोई नहीं कर रहा। सर मेरे ग्रेजुएशन बीएससी है, सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की होवेगा, सर थोड़ी कंफ्यूजन है, आपका ग्रेजुएशन बीएससी है मेडिकल नॉन मेडिकल ये नहीं आपने बताया, आप जब तक ये नहीं बताओगे कि आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, बायो पढ़ी है, क्या पढ़ा है ना, तो उसके हिसाब से है। अगर आपने नेचुरली बीएससी है तो साइंस आपका बनेगा ही बनेगा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो भी आपका साइंस बनेगा, सॉरी तो फिजिक्स बायो पढ़ी है तो भी साइंस बनेगा, केमिस्ट्री बायो पढ़ी है तो भी साइंस बनेगा, है ना, साथ में अगर मैथ्स पढ़ा है तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, आपका साइंस मैथ है द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्यों कि आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो दोनों ही सब्जेक्ट। सर बीए में मेरा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, मैं एमए इकोनॉमिक्स की है, बीएड में एसएसटी के साथ कौन सा सब्जेक्ट लू, प्लीज हेल्प मी चूज। ओके देखिए आपको एमए इकोनॉमिक्स को मैं कर रहा हूं, आपने कहा है कि एसएसटी के साथ, एसएसटी आपका बन रहा है ज्योग्राफी ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के साथ बन रहा है, इकोनॉमिक्स की आपकी एमए भी है, तो आप फिजिकल एजुकेशन ही लेंगे क्योंकि फिजिकल एजुकेशन 3 साल पढ़ा है और ये टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए हो आप, है ना, तो इसकी जॉब्स भी रिलेटिवली दूसरे जो सब्जेक्ट हैं आपके होंगे उनके लिए तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन ही एसएसटी और फिजिकल एजुकेशन बन रहा है। ये रहा आपका, ये यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है उसमें से ही बता रहा हूं आपको, ये रहा आपका 11 नंबर आप देख सकते हो, सॉरी आपका था एसएसटी फिजिकल एजुकेशन 10 नंबर एसएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन, ये आपको देखना होगा कि एसएससी के साथ कौन सा कॉलेज आपको फिजिकल एजुकेशन दे रहा है, जैसे जलंधर में हो, अगर आप मुझे नहीं पता आप कहां हो, इनोसेंट आर्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन दे रहा है इसको, शायद एमजीएन भी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मुझे मेजर एसएससी सभी कॉलेज में है, आपको ये देखना है माइनर फिजिकल एजुकेशन किस कॉलेज में है, वो प्रेफरेंस आपको फिल करनी होगी। सर मैं चंडीगढ़ से हूँ, आउटसाइड पंजाब ऑल इंडिया कोटा में आपने फिल किया है ना, समझ गया मैं, आउटसाइड पंजाब की एडमिशन की सेपरेट वीडियो बना दो, आपकी वीडियो की जरूरत दिखाई नहीं देती, आपकी प्रॉब्लम आप बोलो क्या है फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, अगर जरूरत हो वीडियो बना दूंगा, तो आपका 15% कोटा है, बस आपने क्या है आपको जो डॉक्यूमेंट है रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ना, वो आपको नॉन पंजाब, पंजाब से बाहर की स्टेट का चाहिए,
और वो रेजिडेंस बनता है 5 साल आप कम से कम वहां रहते हो तभी बनता है। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास है प्लस आपकी एलिजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। मीन मेजर सब्जेक्ट के लिए आपने भी 3 साल कम से कम पढ़ा हुआ वो मेजर सब्जेक्ट वो बन सकता है। माइनर के लिए 1 साल 2 साल आप पढ़े हुए हो तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सर मैंने बीए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी लिटरेचर किया है, मेरा मेजर सब्जेक्ट एसएसटी फिल करूं? यस बिल्कुल करिए जी, बिल्कुल ठीक है, आपने ये 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये एसएसटी बन रहा है और इसके साथ पंजाबी ही कीजिए क्योंकि आपने इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है, द बेस्ट कॉम्बिनेशन और हर कॉलेज में ये अवेलेबल है। सर जीएनडीयू में गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर, वीडियो डाल दी है उसको आप देख सकते हो, पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज। मेरे पास बीए में हिस्ट्री सोशियोलॉजी पीपी पॉलिटिकल साइंस, शायद पॉलिटिकल साइंस ही होगा, कंपल्सरी पंजाबी है सब्जेक्ट, मेरे पास कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। नहीं मैं ये कंफ्यूजन दूर भी की है, इलेक्टिव सब्जेक्ट इनको बोलते हैं, ये इलेक्टिव है, ये भी इलेक्टिव है, ये भी इलेक्टिव है, ठीक 3 आपके पास इलेक्टिव है। तो अगर ये पॉलिटिकल साइंस है तो आपका हर हालत में बड़े कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, लेकिन बेस्ट है आपका एसएसटी। एसएसटी के साथ आप देखिए पंजाबी लेनी है या इंग्लिश लेनी है। बाकी आपने के पीजीडी के लिए टीचिंग ऑफ हिस्ट्री भी बनता है, सोशियोलॉजी मत लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ये प्रेफर कर सकते हो अगर पीजीटी के टीचर बनना चाहते हो और आप पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में करना चाहते हो। तो वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कॉमन एसएसटी इज बेस्ट।